बहराइच में गांधी जयंती के मौके पर अनूठी पहल की गई है। प्रशासन की तरफ से आगा खान फाउंडेशन और डूडा के सहयोग से महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण देने के बाद उनको बैंक से लोन दिलाकर रिक्शा सौंपे गए हैं। ई रिक्शा को महिलाएं ही चलाएंगी और महिलाएं सवारी भी होंगी। डीएम बहराइच मोनिका रानी ने बताया है कि फिलहाल 5 महिलाओं को रिक्शे दिए गए हैं और आगे भी महिलाओं को ऐसे ही प्रशिक्षित कर जीवन उत्सर्जन के लिए रिक्शे दिए जाएंगे। और इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा को रवाना किया है। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि रिक्शा ऐसी महिलाओं को दिया गया है जो कहीं ना कहीं समाज में चोट खाई और परेशान रही है। वही ई रिक्शा चालक मेघा और दीप्ति कहती है कि अब वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। हम अक्सर जन सुनवाई में बैठते थे तो कुछ महिलाएं बड़ी परेशान रहती थी। कोई ऐसी महिलाएं होती थी जो परित्यक्त होती थी और जिनके सामने आजीविका चलाने का बहुत बड़ा संकट होता था। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो पीओ डूडा के माध्यम से जो उन लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें एआरटीओ के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई गई और इसके साथ साथ उनके लाइसेंस स्वीकृत कराए गए। जो हमारे एलडीएम साहब हैं उनके माध्यम से उनका लोन कराया गया और एक पिंक ऑटो की अवधारणा की गई, क्योंकि अक्सर ऑटो में देखा जाता था बैठने वाली महिलाएं होती थी लेकिन चलाने वाले जो हैं वो अधिकतर पुरुष होते।